राति पाहिले जागर यात्रा प्रभु श्री लोकनाथ पीठ से जागर यात्रा अनुष्ठित हो राज्य समस्त शैवपीठ गुड़िक जागर यात्रा बंद होता बेले कि श्रीक्षेत्र बाबा लोकनाथ पीठ से चलित वर्ष COVID-19 कटकणा मध्य जागर यात्रा अनुष्ठित हो आम आलोचना करवा आम सहित लोकनाथ मंदिर सेवायत अच्छा आज्ञा किभली भाव भक्त श्रृंखलित दर्शन पर कौन सब व्यवस्था कर कारण राज्य समस्त शैवपीठ गुड़िक बंद रही है 144 धारा आपड़ जमी किसी समय पूर्व कहते हैं कि श्री लोकनाथ पीठ से 144 धारा लगभग ना भक्त श्रद्धा मैंने दीप जाड़े मानसिक मनस्कामना पूरण करेंगे कौन व्यवस्था होती मु प्रथम धन्यवाद देवी आमर लोकनाथ मंदिर सभापति उपजिलापाल श्रीजुक्त भवतरण साहू को जी आज तक दायित्व जो महाप्रभु पाखे यही नियम को पालन कर जागर यात्रा परमिशन देती आ बहुत बड़ कथा तेणु प्रत्येक भक्तपाई जहाँ नियम कर नियम भितर आम पालन करवा प्रत्येक लोक आसवे थर्मल टेस्टिंग देवे 60 वर्ष ठार्ध ए 10 वर्ष ठार कम भक्त न आसवापी नवेदन करुचु तापर आउ रहिला सेमाने भितरक जीवापे स्वतंत्र रास्ता करा जाए जो रास्ता से जिबे एवं डिस्टेंस मेंटेन करके जिबे एवं प्रत्येक भाई मानक सेवायत मानक निर्देश दि जाए प्रत्येक लोक जमी प्रथम आमर प्राधान्य भक्त मान दर्शन श्रृंखलित दर्शन तेणु कौन सी लोक को भितर को छड़ा जाने जेहेतु मंदिर गर्भगृह बहुत छोट जदि जड़े दिज किए पशि जाती अदर बाहर जो मैंने आसने दर्शन करेंगे तेणु कौन सी लोक भितर को जीवन समस्त गोटे जगार दर्शन करेंगे कौन करतेटू दर फिटो महाप्रभु तमाम नीतिकांति सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था आरंभ हम आज जदि कोरोना महामारी चली कोरोना महामारी भी ठाकुर कौन सी नीतिकांति कम हेनी तेणु नीतिकांति जो समय हवा कथा हम रात 12:30 मंदिर द्वार खुटा जाए मंगल आरती अवकाश पूजा एवं तापर सर्वसाधारण दर्शन हुए किंतु सेटा इथरक हेनी महाप्रभु नीति चलो तापर सूर्य पूजा हम रोष होम हम तापर द्वारपाल पूजा तापर गोपाल बल्लभ सकाल धूप दुईपर धूप पर महाप्रभुंर नीतिकांति सर्वसाधारण दर्शन हम सर्वसाधारण आम ये कौन हुए ना प्रत्येक जगह जदि 12 गोटे रात महादीप उठे उठी पारे कारण ये लोकनाथ पाखक हरि रूप से जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु चलित प्रतिमा आसती जो चलित प्रतिमा आसवापी जगन्नाथ मंदिर नीति सहित लोकनाथ मंदिर नीति संप्रक्त रुए से बल्लभ सरलापर महाप्रभु सेठ जगन्नाथ आज्ञामल नहीं हरि रूप से आसती आसवा समय बहुत जगार महाप्रभु पंथी खाई खाई आसती तेणु पंथी खाई खाई आसवा भितर लोकनाथ मंदिर पहुँचला बेलू प्राय 11-12 बाजि जाए आसला कौन हुए ना महाप्रभु आसला चारोटी षोडशोपचार पूजा एवं 6 पंचोपचार पूजा लगे तेणु ये 10 भोग लगे ये 10 भोग लगे प्राय रात 4 बाजि निहत भाव में आम आलोचना करवा आम सहित उपजिलापाल महोदय जोड़ी आज्ञा श्री लोकनाथ मंदिर में निश्चित भाव में कल जागर यात्रा भक्त श्रद्धा गोटे खुशी खबर कारण अनिश्चितता भितर था कि भाव भक्त मैंने किभली भाव आप टाइम गार टा जाए कि भक्त मैंने COVID-19 कटक मुताबक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे कारण सामाजिक दूरत्व बेस प्राधान्य रोचे आप जानते जेहेतु बर्तमान कोविड पैंडेमिक सिचुएशन जाना से राज्य सरकार जो गाइडलाइन प्रणीत करते कि सुचारू भाव फिल्ड में इम्प्लीमेंट करहब से समस्त सेवायत मान सहित बस समर जो समय निर्गत होती जमी षोल मंदिर हूँ खोलाई सारापर और समस्ते बारिकेडी क्यूरे गलापर दर्शन महाप्रभु को दर्शन बाहर काठू कर लोकनाथ देव को दर्शन करेंगे कौन सी जगह से जो भोग राग रही कन्स्टाटली कौन से गमीरा भितर ठिया हो पारे ना से दर्शन कर देकर गोटे पटे एक्जिट हो बाहरी जी एवं जो बाहर जो स्पेस रही जो जगार जरा जो रही है जेहेतु ये ओपन स्पेस आम चेस्टा करुचु से जगह कि भाया सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर बसवे और से आम टीम कि भाया लाइन में बस पारे व्यवस्था कर जो बाहर स्पेस रही है प्रत्येक वर्ष जो रोला भजन समारोह एवं दुकान बजार जो आग्रह होता है वर्ष पूरा पूरी बंद रही कौन भजन समारोह हम ना बा दुकान बजार ये पड़े ना पुलिस अरेंजमेंट सर कि व्यापक अरेंजमेंट प्रथम एंट्री पॉइंट रू गाड़ी कौन सी भितर को एंट्री हेना जी जहाँ आसे गाड़ी बाहर रही कौन सी गाड़ी भितर को एंट्री करने दि जाए ना आमर जो 56 छक रही आमर छक रही जो से पूरा पूरी गाड़ी को डाइवर्ट करा कौन भितर को गाड़ी फाड़ी एलाउ करा ना पुलिस कटक 65 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति 10 वर्ष कम पिला करूँ जेहतु कंग्रीगेशन से सब रिस्क रही आम एडभाइज करुचु से गहली भितर को न आसपाई।
ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ସମସ୍ତ ଶୈବ ଭକ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଯେହେତୁ ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପରିସରରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ, ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହରିହର ଭେଟ ହେବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୀପ ଜାଳିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଉଜାଗର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ COVID-19 କଟକଣା ମୁତାବକ ଦୀପ ଜାଳିକରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମାନସିକ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂରଣ କରିବେ। ପୁରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।